मिस्टर अरमान ये ऑल ऑफ रहा है सर अरमान जी वो प्रॉब्लम मॉम जी अरमान जी सो सॉरी इट्स टू बी ऑनर्ड टू हैव अ क्लास मिस्टर अरमान
9:30 Thane. So I'm very grateful. It's such a good atmosphere. If I get for my bodybuilders, you know, the fitness is a very tough thing. Plus the muscle building is a tough thing. And the bodybuilding is a toughest thing. If this kind of people gave us support from them. Yes, it's a role reversal now. We are inspired from them. क्योंकि यही बिलीफ की वजह से आप लोग ऐसे बने हुए हैं तो आई थिंक वी आर इंडेटेड टू पीपल लाइक यू कि यू नो जो बच्चे हैं बहुत सारे बच्चों को लगता है आप सीन जाना आई थिंक आप लोगों से देख कर ही वो प्रेरणा मिलेगी उन्हें तो बहुत बहुत मुबारक आप सबको एंड कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन डॉक फॉर हैविंग डूइंग हैविंग डन दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड द एंटायर नाइट्रो टीम थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन जबी भी हेल्थ या वेलनेस की कोई भी चीज़ होती है तो यू नो ये ज़रूरी भी है हम सब के लिए हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वेलनेस इज़ फार फार चीपर देन इलनेस अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है तो जिम और फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है और आप देखिए आज हमारे स्पेशल बच्चे भी थे जो बॉडी बिल्डिंग को टेक ओवर करके उनकी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आई थिंक फिजिकली आपको कभी नहीं महसूस होगा कि ये फिजिकली चैलेंज है वो हमें चैलेंज करेंगे तो आई थिंक दिस इटसेल्फ प्रूव्स दैट वेलनेस इज अगेन समथिंग दैट वी नीड टू बी वेरी बी केयरफुल अबाउट एंड टेक वेरी सीरियसली मैं हैंडीकैप कभी मानता नहीं हूँ उनको हैंडीकैप हम लोग हैं जिनकी सोच हैंडीकैप्ड है वो उनमें वो ताकत है जो वो कर दिखाते हैं जो हम कभी शायद ही दिखा सकते हैं हमारी एनजीओ खुद भी चलाते हैं जहाँ स्पेशल बच्चे होते हैं और उनसे हर बार जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ से कुछ और लेकर ही जाता हूँ कि माई गॉड यार ये कैसे कर पाते और हमें इंस्पिरेशन मिलता है उनसे
तो शायद अभी जाके उनसे ही टिप्स लूँगा कि किसी के बाइसेप्स, किसी के एट पैक्स थे वहाँ पर, कि आपने कैसे किया, शायद हम भी कुछ सीखे उससे। सर, बनेगा स्वच्छ इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट पे आपका विजन भी आपका भी? आई थिंक फिट इंडिया मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो बहुत ही ज़रूरी थी, बहुत ही पहले से ज़रूरत थी। हम भूल गए थे कि हम उस दुनिया से आते हैं जहाँ योग का क्रिएशन हुआ था, योग हमने दुनिया को सिखाया और दुनिया एक्सपोर्ट करके हमको, री एक्सपोर्ट करके हमको सिखा रहा था। बट आई थिंक आज हमने ये प्रूव कर दिया कि आयुर्वेद और योग और नेचुरल थेरेपी की वजह से, जिस वजह से इंडिया जाना जाता, वो आज दुनिया फॉलो कर रही है। तो आई थिंक हम हमेशा लीडर रहे, और अगर हम फिट इंडिया की बात करते हैं तो उसे एग्जीक्यूट भी करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है हर लेवल पे, खास करके स्कूल लेवल पे उसे एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक उम्र में आने के बाद हम लिथार्जिक हो जाते हैं और वो कर नहीं पाते जो हमें करना चाहिए। तो आई थिंक अगर पेरेंट्स सिंपल चीज़ें याद रखें कि आज एक बॉल भी अगर ड्रिबल करता है दो तीन साल का बच्चा, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बैलेंस होती है उससे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से शुरुआत ज़रूर होनी चाहिए। आई थिंक हेल्थ एंड क्लेनलीनेस गोज़ टुगेदर। अगर आज अगर इंडिया क्लीन है तो हेल्दी भी रहेगी, और वैसे ही अगर इंडिया हेल्दी है तो इंडिया क्लीन रहने की भी सोचेगी, तो आई थिंक इट गोज़ हैंड इन हैंड। अहान नाइट्रो में ही ट्रेन करता, तो आई एम श्योर नाइट्रो की एक देन होगी। सिंपल बॉय, गॉड हैज़ बीन काइंड टू हिम, एवरीथिंग इज़ गुड। अब अगर लेडी लक उसका साथ दे और ही स्टेज डिसिप्लिन, ही स्टेज ऑनेस्ट एंड ही थिंक्स अबाउट हिज प्रोड्यूसर्स मोर देन एनीबडी एल्स, ही विल बी सक्सेसफुल। वरना इट्स समवन अप देयर हु हैज टू टेक केयर ऑफ हिम, दैट्स इट। थैंक यू सर। थैंक यू।